पीएम मोदी ने दिल्ली डासना मेरठ 14 लेन के एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दिल्ली के निजामुद्दीन पुल से शुरू होगा और NH-24 पर डासना तक जाएगा और डासना से मेरठ के लिए नया रास्ता बनेगा। एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रहेगी। निर्माण एक्सप्रेस वे का काम 4 चरणों में होगा। होगी 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे होगा, दोनों तरफ 4-4 लेन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा और साथ ही दोनों साइड एक एक साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट कारण का जो डिस्टेंस है जिसको 2.5 से 3 घंटा लगता था वो 40 से 45 मिनट में होगा और यहाँ की उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जनता को बहुत काफी दिक्कतें थी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैबिनेट ने अनेक निर्णय किए और जिसके कारण मुजफ्फरनगर से देहरादून तक भी कार्य बहुत तेजी से शुरू है और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिसंबर में ये कार्य होगा जिससे दिल्ली से देहरादून ये भी डिस्टेंस करीब 2.5 से 3 घंटे में हम पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ साथ दिल्ली से दासना तक जो द्रुतगति मार्ग है उसको आगे लखनऊ तक ले जाने के बारे में हमने विचार किया है और इसका अध्ययन शुरू किया। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अटल जी ने में बड़े गांवों को जोड़ने की दिशा में काम किया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हिंदुस्तान को एक ही ताकत वाला, एक ही क्वालिटी रास्ता बनाने का अभियान चलाया और आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि भारत के पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कारण हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के समृद्ध देशों के बराबरी करके रख। दूसरी तरफ एक तरफ वाजपेयी जी और इस दौरान पीएम मोदी ने संसद ना चलने को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है पीएम ने, आइए सुनते हैं। गरीबों के लिए हमारी सरकार गरीबों के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाने की कोशिश, बहुत पुराने हो गए, कई बाबतों में नए कानून बनाना जरूरी हो गया, लेकिन ये दुर्भाग्य है संसद जहां कानून बनते हैं अब उस संसद को चलने नहीं दिया जाता। संसद को बांध में लिया हुआ वे संसद को चलने नहीं देते। मैं खास करके सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, लोकसभा में तो हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है,
लेकिन मैं जनसभा में ऐसे आग्रह कर रहा हूं, तो एक संकल्प ये भी कर लो कि आप 2016 के से अब संसद में रुकावटें नहीं डालोगे, संसद को नौजवानों को रोजगार के अवसर के लिए काम करने दोगे, ये अगर हम संकल्प करेंगे तो देश नई ऊंचाइयों। और बिहार के औरंगाबाद में नक्सल प्रभावित इलाके में बन रहे जगन्नाथ डैम का निरीक्षण करने के लिए बीजेपी सांसद सुशील कुमार कंचनपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी सांसद ने डैम के निर्माण में अब तक हुए कामकाज का जायजा लिया। साथ ही सिंचाई विभाग के मुख्य अधीक्षण अभियंता को अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार ने डैम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस डैम के बनने से कई गांवों को सिंचाई करने के लिए पानी आसानी से मिलेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। हम लोगों ने यहाँ की कमी को देखा और कुछ ये भी है कि तकनीकी गड़बड़ के साथ साथ निर्माण में घोटाला भी हुआ है, उसमें भी कमी है। जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई, योजना के काम को आज से करीब करीब 3 साल पहले खत्म कर दिया गया, उसकी फाइनल नापी कर ली गई, उसका फाइनल मेजरमेंट करके ठेकेदार को उनके सुरक्षा की राशि भी लौटा दी गई। सारा यानी कि सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से इतिश्री हो गया और किसान के खेत तक पानी एक बूंद नहीं पहुंचा। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला एक्सप्रेस न्यूज लाइव में बस यहीं तक, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।